सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम अनुप्रण, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रियल मी 5 के अंदर फाइनली जीकेएम 7.0 अवेलेबल हो गया है। सो मेरे पास दोस्तों रियल मी 5 आ गया है। इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ चैनल के ऊपर। जरूर से जाओ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले कैमरा टू एपीआई का जो एप्लीकेशन है उसे इनेबल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों रियल मी 5 के अंदर आपको पहले से ही कैमरा टू एपीआई इनेबल मिलता है। लेवल 3 का सपोर्ट है बैक कैमरा के अंदर और फ्रंट कैमरा के अंदर भी दोस्तों आपको यहाँ पर लेवल 3 सपोर्ट मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों मोस्टली जितने भी जीके में दोस्तों सभी काम करेगा अपने रियलमी 5 के अंदर। सो काफी अच्छी बात है दोस्तों, आपको अलग से रूट करके कैमरा टू एपीआई को इनेबल करना नहीं पड़ेगा। सो मेरे डिवाइस के ऊपर अभी के लिए दोस्तों 3 गूगल कैमरा इंस्टॉल है। पहला वाला जो गूगल कैमरा है दोस्तों, ये दोस्तों नॉर्मल 5.1 वाला है जो कि पिक्सल 2 का आता है। काफी अच्छे से काम करता है। मेरे पोर्ट्रेट मोड की बहुत सारी पिक्चर इस गूगल कैमरा के साथ लेता हूँ। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों 6.2 का गूगल कैमरा जो कि आपको ठीक ठाक मिल जाता है। और हमारा प्यारा जीकेएम 7.0 जो कि रियलमी 5 के अंदर फर्स्ट क्लास काम करता है। ये जो दोस्तों एपीके दोस्तों स्पेशली 700 सीरीज के लिए तैयार किया गया है। पर रियलमी के अंदर आपको 665 जनरेशन का सीपीयू मिलता है, 665 का सीपीयू मिलता है। फिर भी दोस्तों बहुत ही प्यारा काम कर रहा है जीकेएम 7.0। सो यहाँ पर आपको स्वाइप अप डाउन करने के बाद टाइमर मिलता है, फ्लैश मिलता है, रेट्रो मिलता है। सो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों कैमरा के अंदर। उसके बाद चलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है 30 fps 60 fps का ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, रियलमी 5 के अंदर आप 60 fps जीरो रिकॉर्डिंग कर पाओगे यूजिंग ऑफ दिस जीकेएम 7.0 का एपीके। सो आप अगर आप जीकेएम 7.0 को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बहुत ही प्यारा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 60 fps के अंदर। पर अगर आप 60 fps के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो दोस्तों मेक श्योर आपके पास अच्छी खासी गुड लाइटिंग कंडीशन होना चाहिए, वरना आपका जो वीडियो है दोस्तों ब्लैक आएगा, जैसे देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है। एक्चुअली जो जीकेएम है दोस्तों अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्टेबल नहीं हुआ है, तो इससे वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो, वही अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर। यहाँ पर जीकेएम जो है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के अंदर ही काम कर रहा है। यहाँ पर आपको टाइमर, फ्लैश, स्क्रीन रेशियो मिल जाता है। और ये दोस्तों नाइट स्लाइड मोड है। नाइट स्लाइड मोड भी दोस्तों काफी अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोलॉजी मोड भी आप इनेबल कर पाओगे। किस तरह से इनेबल करते हैं इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलते हैं सीरीज के अंदर। आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ किस तरह से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको लोकेशन के लिए मिलता है, साउंड के लिए मिलता है, गेस्चर्स के अंदर दोस्तों आपको अलग से कस्टम हॉटकीस गेस्चर मिल जाता है, कुछ इस तरह से आप चाहो तो सेटिंग्स कर सकते हो। एडवांस के अंदर आपको एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, रॉ इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लटर लेंस को वार्निंग पा सकते हो, सेफ सेल्फी एस पी यू कर सकते हो। यहाँ पर कैमरा रेवोल्यूशन जिस तरह से होता है उस तरह से ही है। आप यहाँ से एचडीआर की क्वालिटी, सैचुरेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, जीपीजी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। 4K का ऑप्शन अभी भी यहाँ से हटा दिया गया है। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर तो आपका डेवलपर सर्विस तो मिल ही जाता है। सो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के अंदर काम कर रहा है। नाइट साइड मोड फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के अंदर काम कर रहा है। एस्ट्रो फोटोलॉजी मोड बैक कैमरा ट्राइपॉड के साथ इस पर्टिकुलर जीकेएम के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के अंदर काम कर रहा है। मोड के अंदर चलते हैं, दिखाता है क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको पैरानोमा, फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लेंस मिल जाता है। चेकआउट कर लेते हैं क्या स्लो मोशन काम कर रहा है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, स्लो मोशन यहाँ पर काम कर रहा है। स्लो मोशन को यूज करने के लिए आपके पास अच्छी खासी गुड लाइटिंग कंडीशन होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा। एक पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जो जीकेएम है दोस्तों यहाँ पर क्लोज हो गया। गूगल कैमरा 6.3 का जो टाइम लैप्स फीचर है दोस्तों वो भी आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर 7.0 जीकेएम के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। पैरानोमा फोटो स्पेयर मोड तो आपको मिलता है। यहाँ पर जो मेन काम है दोस्तों ये मेन कैमरा का होता है, बाकी ऊपर का जो 3 कैमरा यहाँ पर जो मेन काम है दोस्तों ये प्राइमरी लेंस 12 MP की करता है और 8 MP 2 2 MP कोई भी काम का नहीं आता है। वाइड एंगल लेंस के साथ आप कोई भी पिक्चर को क्लिक नहीं कर पाओगे। वाइट एंगल मोड जो है दोस्तों वाइट एंगल जो कैमरा है दोस्तों वो यहाँ पर यूज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आप एचडीआर कंट्रोल कर सकते हो, एचडीआर एनहांस मोड को इनेबल कर सकते हो। सो आपके सामने कुछ पिक्चर को मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ से हम पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों फोकस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फोकस नहीं हुआ तो क्या हुआ। और पोर्ट्रेट मोड के साथ भी एक पिक्चर को क्लिक करते हैं आपके सामने जल्दी। एक्चुअली नाइट स्लाइड हो गया, कोई बात नहीं, हम पोर्ट्रेट मोड के साथ ट्राई करते हैं। सो
सो जैसे देख पा रहे दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पिक्चर है दोस्तों नाइट स्लाइड मोड के साथ लिया गया है, और ये जो पिक्चर है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के साथ लिया गया है। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों के अंदर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो जरूर से इस जी कैम को चेकआउट कर लेना। अगर आपके पास रियलमी 5 है तो जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस जी कैम के साथ मैंने बहुत सारे पिक्चर को क्लिक किया है, तो आप जरूर से देख लीजिए पिक्चर सैंपल्स को। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो जी कैम है दोस्तों जो स्टॉक कैमरा है के साथ मात दे देता है, और आपको जो डिटेलिंग प्रोवाइड करता है, जो शार्पनेस, जो कलर, जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है फोटोज के अंदर, वो और कोई स्टॉक कैमरा आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उस वजह से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है काफी ज्यादा अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, आपको वीडियो स्टेबलेशन का भी मोड मिल जाता है इस पर्टिकुलर जीकैम के अंदर। सो मैं इन फ्यूचर स्टॉक कैमरा वर्सेस जीकैम का एक कंपेरिजन वीडियो करने वाला हूँ रियलमी 5 का। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बजाय जरूर से दबा के रखना, और इस पर्टिकुलर जीकैम का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका दिन शुभ रहे।